हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब के लिए नया फीचर रोल आउट कर दिया गया है। इस नए फीचर की मदद से अब यूट्यूब ग्राफ की मदद से खुद ही बताएगा कि आपके यूट्यूब चैनल पर कितने नए व्यूअर्स और कितने रिटर्निंग व्यूअर्स आ रहे हैं। अगर आप लोग भी यूट्यूब के इस नए फीचर को इस्तेमाल करके अपने चैनल पर नए व्यूअर्स और रिटर्निंग व्यूअर्स को पता करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए मैं लिए चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस नए फीचर को इस्तेमाल करके अपने चैनल पर ग्राफ की मदद से नए व्यूअर्स और रिटर्निंग व्यूअर्स को पता करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन पर गूगल क्रोम ऐप को ओपन करें। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद वेट करें। वेट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप सबसे पहले गूगल क्रोम पर डेस्कटॉप साइट को इनेबल करें। तो चलिए इनेबल कर देते हैं। डेस्कटॉप साइट को इनेबल करने के बाद अब आप सर्च बार पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहां पर टाइप करें यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो। तो चलिए टाइप कर लेते हैं। यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो टाइप करने के बाद सर्च कर ले। तो चलिए सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद वेट करें। वेट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप यहां पर यूट्यूब चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद नीचे से इस तरह से विंडो खुलकर आएगा। विंडो खुलने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ब्राउजर का ऑप्शन आएगा, तो आप क्रोम वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद वेट करें। तो चलिए वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। अगर आपने अपने चैनल को लॉगिन कर रखा है पहले से, तो अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो ऊपर की ओर राइट साइड में नज़र आ रहे चैनल के आइकॉन यानी कि प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक करके यहां पर अपना ईमेल और पासवर्ड डाल करके अपने चैनल को लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद अब आप लेफ्ट साइड में नज़र आ रहे एनालिटिक्स वाले आइकॉन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से वेट करें। वेट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप यहां पर ऑडियंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद वेट करें। वेट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप स्क्रीन के बीचों बीच राइट साइड में नज़र आ रहे चैट गाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस तरह से यहाँ पर विंडो खुलकर आएगा, तो आप यहाँ पर लर्न मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस तरह से विंडो खुलकर आएगा, तो थोड़ी देर वेट करें। प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ खुलकर आ गया है। तो चलिए इसे जूम करके मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ग्राफ पर कर्सर खुद ही ऊपर नीचे हो रहा है। कर्सर देख सकते हैं यहाँ पर व्यूअर्स के बारे में बता रहा है, रिटर्निंग व्यूअर्स और न्यू व्यूअर्स के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पर न्यू व्यूअर्स और रिटर्निंग व्यूअर्स का डेटा यहाँ पर बता रहा है, कितना न्यू व्यूअर्स और कितना रिटर्निंग व्यूअर्स आ रहा है इस चैनल पर। देख सकते हैं यहाँ पर से आप अपने चैनल के न्यू व्यूअर्स और रिटर्निंग व्यूअर्स को पता कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप भी अपने चैनल के न्यू व्यूअर्स और रिटर्निंग व्यूअर्स को पता कर सकते हैं कि कितने न्यू व्यूअर्स और कितने रिटर्निंग व्यूअर्स आ रहे हैं। सो फ्रेंड, मेरी यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो पर।